प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न द्रव्य कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तो हमें इससे पहले की वीडियो में हमने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हमने एक तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त किया था, जो हमने प्राप्त कर चुके हैं। अपने ऐसा मान ले माना कि एम द्रव्यमान का कोई द्रव्य कण है, ऐसा मान लेते हैं। माना एम द्रव्यमान का द्रव्य कण है जो कि वी वेग से गतिशील है। जब ये द्रव्य कण वी वेग से गतिशील होता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा इस तरह से होगी, हो जाएगी के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यदि कोई द्रव्य कण एम द्रव्यमान का वी वेग से गतिशील होता है तो हम उसकी गतिज ऊर्जा को इस प्रकार से रख सकते हैं, के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर हम यहां से भाई वी का मान निकालना चाहे तो इसको इसे इधर से गुणा कर दो, तो इधर से आ गया एम वी स्क्वायर और ये आ गया 2k। अगर हम वी का मान चाहिए तो वी स्क्वायर बराबर 2k/m। अगर हमें वी का मान चाहिए तो ये हो जाएगा वी बराबर और √2 km। ये वी का मान आ गया कि जो हमारा द्रव्य कण वी वेग से गतिशील होता है उसका हमने वेग का मान ही ज्ञात कर लिया। अपन जानते संवेग जो है, हम जानते हैं कि जो संवेग जो होता है, संवेग p इक्वल भाई क्या होता है, एम वी होता है। क्या होता है, एम वी मतलब द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो यहां आ जाएगा p बराबर m द्रव्यमान और देखो वेग v, ये मान मारा तो इसका, तो v का मान आ जाएगा 2k/m। ठीक है, अब ये जो हमारा m है, अपन जानते हैं कि अगर हम चाहे ना तो हम चाहते इस m को लिख सकते हैं क्या, √m/√m, इसको लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहां ये आ जाएगा p बराबर √m/√m/√2k/m। अब देखो ये नीचे भी हो जाएगा √m, तो एक कट जाएगा, तो ये ऊपर क्या बच गया, अंडर रूट में 2km, तो ये हमारा संवेग का मान आ गया p बराबर 2km। फिर देखो आगे इसमें कि यदि हम किसी भी द्रव्य कण को विभव v दे करके, यदि हम किसी भी q आवेश को विभव v दे करके उसे हम त्वरित करते हैं, तो उस अवस्था में उसकी जो ऊर्जा है वो e बराबर हो जाती है qv। क्या हो जाती है, qv। ये उसकी ऊर्जा e बराबर qv हो जाती है। अपन अब जानते हैं कि भाई जो तरंग दैर्ध्य होता है उसे तरंग दैर्ध्य में और संवेग में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, संबंध होता है लैम्ब्डा बराबर h/p। ये संबंध होता है तरंग दैर्ध्य के अंदर और संवेग के अंदर। हमारा उद्देश्य क्या, हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए यहां पे जो p का जो मान है यहां रख देंगे इसके अंदर, तो ये आ जाएगा लैम्ब्डा बराबर h/p आ जाएगा। ठीक है, h/p तो है पहले से। अब यहां पे जो लैम्ब्डा है ये इक्वल क्या हो जाएगा, h/p। ठीक है, अदो हमने यहां पे जो ऊर्जा ज्ञात की थी, यहां पे ऊर्जा को हम के भी मान सकते हैं और यहां उनकी ऊर्जा को हम ई भी मान सकते हैं। तो अपन चाहे तो इस ऊर्जा को यहां पे ई भी मान ले, जो भी ऊर्जा होगी ई, ई मतलब उनकी गति ऊर्जा, यह बात कोई सब के मान ले, यानी के बराबर क्या हो जाएगी, की भी हो जाएगी। ठीक है, बात कोई है। अब देखो आगे हम h/p, तो अब यहां हो जाएगा लैम्ब्डा बराबर h/p। ठीक है, अब यहां पे जो मान है इसका, अब p का मान क्या, देखो हमारा 2km, तो p का मान होगा यहां पे, तो यह आ जाएगा, इसका मान रखो यहां पे, यह आ जाएगा 2km आ जाएगा 2km। और k का मान अपन जानते हैं qv होता है। अगर हमने किसी आवेश को
विभव भी देखा, अगर हमने इसको त्वरित किया तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगी, बराबर क्यू हो जाएगी, एक का मान रख दो, तो यह जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू, के का मान रख दो तो यह जाएगा टू इंटू क्यू वी इंटू एम आ जाएगा, जहां क्यू आवेश है, एम द्रव्यमान और वी क्या है उसका वेग है, तो टू क्यू वी एम। तो ये हमारा सूत्र हो गया लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम। अब हमें इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का अगर हमें ज्ञात करना हो तरंग दैर्ध्य, तो वो हो जाएगा देखो किस तरह ज्ञात करेंगे। तो हमने सूत्र प्राप्त किया लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट टू क्यू वी एम का। अब देखो आगे हमें ज्ञात करना है, तो हमें अब ज्ञात करना है त्वरित इलेक्ट्रॉन, त्वरित इलेक्ट्रॉन का हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, डी ब्रोगली हमें उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। देखो सूत्र हमारा भी होता है, हमने ज्ञात किया लैम्डा बराबर क्या है एच अपॉन अंडर रूट में टू क्यू वी एम, ये हमारा सूत्र होता है। एच ये अपलांग नियतांक है और क्यू आवेश, वी विभव, एम द्रव्यमान। अब देखो एच का मान हम जानते हैं, इसका मान क्या होता है 6.63 या तो भी हो सकता है 10^-34 जूल इंटू सेकेंड, और आवेश को आप जानते हो 1.6×10^-19 जूल, और एम हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एम ही इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान हो जाएगा 9.1×10^-31 केजी। तो अपन ये तीनों मान यहां रखेंगे सूत्र के अंदर, तो यह जाएगा लैम्डा बराबर एस का मान रख दो 6.63×10^-34 और रूट टू क्यू आवेश 1.6×10^-19, वी का वी रहने दो कि वी विभव है, एम का मान रख दो 9.1×10^-31 और देखिए जब इनको सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने पर ये हमारा मान आ जाएगा 12.27/√V एंगस्ट्रम, ये हमारा एंगस्ट्रम आ जाएगा। अपन जानते हैं कि एक जो एंगस्ट्रम होता है भाई इसका मान कितना होता है, इसका मान 10^-10 मीटर होता है इसका मान, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10^-10 मीटर, तो हमने एंगस्ट्रम इसका मान चेंज कर लिया तो हमारा सूत्र आ गया, तो ये लैम्डा ई का मान आ गया। लैम्डा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये हमारा सूत्र, हमने पहले सूत्र प्राप्त किया, हमने सूत्र में एच का मान रख दिया, आवेश का मान रख दिया, एम का मान रख दिया, सोल्व कर लिया इसको, ये हमारा मान आ जाएगा 12.27/√3 एंगस्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।